अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बख्तावर हैंडमेड कलेक्शन एंड क्रिएटिव आइडियाज़। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लोरल ज्वेलरी में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल और उसकी एक्सेसरीज़ को। अगर तो आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फ्लोरल ज्वेलरी को बनाने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स का मटेरियल यूज़ करते हैं। आज की जितनी भी वीडियो है उस सारी वीडियो में हम लोग इसके मटेरियल को ही डिस्कस करेंगे। जिस तरह से मेरे पास ये बर्ड्स बने हुए हैं, ओपन बर्ड्स और क्लोज बर्ड्स, इसको हम किस मटेरियल के साथ बनाते हैं, कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, कौन से कलर हम लोग यूज़ करते हैं, वो सारा कुछ हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्लोरल क्ले के लिए हमेशा इस तरह की वाइट क्ले होती है जो पैकेट में मौजूद है मेरे पास, ये हम लोग यूज़ करते हैं। इसी को हम लोग डिफरेंट शेड्स के लिए अपने डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं। कलर्स हम लोग कौन से यूज़ करते हैं, ड्रॉप अगर हम लोगों ने इसमें लिक्विड फॉर्म के कलर यूज़ करने हैं तो इस तरह के हमारे पास ये कलर्स मौजूद होते हैं जो हम लोग अपनी कलर क्ले के अंदर मिक्स करते हैं। ये ज़्यादा तौर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ये बिल्कुल भी थिक नहीं होते हैं। बिल्कुल जिस तरह से हमारे पास एक लिक्विड वाटर फॉर्म में होते हैं या इस तरह से हमारे पास मौजूद होते हैं। हमें जो कलर रिक्वायर्ड होता है वो हम अकॉर्डिंग टू अपनी क्ले के इसमें डाल के इसमें हम लोग अपने कलर को ले आते हैं। इसके अलावा हम लोग मैरियोस के ऑयल पेंट भी यूज़ करते हैं। अगर तो आप मैरियोस की बड़ी ट्यूब्स लेना चाहते हैं तो आप बड़ी भी ले सकते हैं, और अगर आप इसका एक छोटा बॉक्स ले लें 24 कलर का तो वो भी ज़्यादा बेस्ट रहता है। अगर आप स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट शेड्स आ जाएंगी। मैरियोस के ऑयल पेंट जो होते हैं वो थिक होते हैं, इनकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि लिक्विड ड्रॉप्स की नहीं होती, वो बिल्कुल ही वाटर फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो भी कम इस्तेमाल होते हैं। इसमें कुछ शेड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं। शीट हम लोग फेल्ट शीट यूज़ करते हैं बेस के लिए, इसी के ऊपर हम कटिंग करके रिक्वायर्ड जो भी हमें साइज़ बनाना होता है वो हम लोग इस कलर में या डिफरेंट कलर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपने मिनी बैंगल्स बनानी है या आपने मिनी कड़े बनाने हैं तो हम लोग छोटी बेस यूज़ करेंगे, और अगर आपने बड़ा कंगन वगैरह बनाना है तो उसके लिए हम लोग बड़े साइज़ की बैंगल यूज़ करते हैं। इसमें दो साइज़ हमारे पास अवेलेबल होते हैं। रैप अगर करना होता है हेड क्राउन्स को बनाने के लिए, फ्लोरल वगैरह को, तो हम लोग ये ट्रेप यूज़ करते हैं, ग्रीन कलर की या आप ब्राउन कलर की, जो भी आप लेना चाहें। हमारे पास ये टूल्स होते हैं, ज़्यादा तौर पे तो मैं टूल्स नहीं यूज़ करती हूँ अपने, लेकिन अगर आप टूल्स लेना चाहते हैं तो फिर आप इनको मार्केट से इजीली डो टूल्स या क्ले टूल्स के नाम से आप मार्केट से इजीली ले सकते हैं। इससे आप डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा तौर पे बाय हैंड ही अपने आर्टिकल्स को रेडी करते हैं। फ्लावर्स के लिए हम लोग ज़्यादा तौर पर अपने हैंड्स को यूज़ करते हैं। स्टेमन्स यूज़ किए जाते हैं, आप डिफरेंट कलर्स के स्टेमन्स ले सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का आपने आर्टिकल बनाना है। तो उसमें आर्टिफिशियल स्टफ जो यूज़ होता है उसमें स्टेमन्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। स्टेमन्स ये फैंसी स्टेमन्स इसको कहते हैं। इसके अलावा हम लोग पेपर फ्लावर यूज़ करते हैं गजरा वगैरह बनाने के लिए। इसके अलावा अगर हमने कोई डेकोरेशन पीस बनाना है तो इसको ज़्यादा और ज़्यादा इन्वायरमेंट या और ज़्यादा चीज़ें एडिशनल ऐड करने के लिए हम लोग इसके अंदर पेपर फ्लावर यूज़ कर लेते हैं। ब्रीथ होती है हमारे पास, अगर आप कोई हेयर एक्सेसरीज़ वगैरह बना रहे हैं और इसमें आप ब्रीथ का स्टफ़ का देना चाहते हैं कोई लुक, तो इस तरह से हमारे पास ये आर्टिफिशियल ब्रीथ मौजूद होती हैं। ब्रीथ इसी कलर में आती है, हम लोग इसको कटिंग करके जो अपने आर्टिकल्स वगैरह होते हैं हम लोग उसमें यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये भी बेबी ब्रीथ होती हैं, ये बहुत मिनी वाइट कलर के खूबसूरत से आर्टिफिशियल स्टफ़ होता है। इसको हम लोग कटिंग करते हैं और अपने जूड़ा में, जूड़ा बंद में, अपने गजरे में बहुत ज़्यादा हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अपने प्लेस वगैरह में आर्टिफिशियल स्टफ़ में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। और एयरिंग्स टॉप के लिए हमारी सेम वही स्टील की बेस होती है, इसके ऊपर हम लोग फेल्ट शीट कटिंग करके लगाते हैं और अपनी एयरिंग की टॉप बेस रेडी कर लेते हैं। इसके ऊपर भी हम लोग फेल्ट शीट लगाएंगे या फिर अपनी क्ले लगाएंगे और वाइट ग्लू को पेस्ट करके हम लोग यूज़ करते हैं एयरिंग को, डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं हम लोग यूज़ करते होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये आर्टिफिशियल स्टफ़ होता है,
हम अपने सीज़र से अपनी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो हमारी चीज़ होती है हम उसमें यूज़ करेंगे। ग्रीन लीव्स होती हैं, ग्रीन लीव्स हम लोग पेटल से भी बनाते हैं, बाय हैंड भी क्रिएट करते हैं, टूल्स को भी यूज़ करके यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग ये इम्पोर्टेड स्टफ़ होता है हमारे पास मिनी ब्रीथ का, मिनी लीव्स का, वो हम लोग कटिंग करके इस तरह से अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। लुक हमारे पास सेम वही आता है, ये टॉप ये बहुत खूबसूरत से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आर्टिफिशियल ही हमारा ये स्टफ़ होता है। और ये एक और स्टेमन्स होते हैं, बहुत बारीक से स्टेमन्स होते हैं, ये हम लोग सिंगल सिंगल पीस करके यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये फ्लोरल हेड क्राउन बनाने के लिए ये वायर होती है। आप इसको इजीली अपने आर्टिकल्स वगैरह में हेड क्राउन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और कंबाइन जिससे हम लोग करते हैं वो वाइट ग्लू यूज़ की जाती है। इसके अलावा ज़्यादा तौर पे हम लोग अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी फ्लोरल की बनाने के लिए हॉट ग्लू गन का यूज़ करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।